नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम बात करने वाले हैं HPSC के द्वारा जो आज बहुत सारे रिजल्ट और साथ ही इसमें कट ऑफ मार्क्स आंसर की तो बहुत सारे नोटिस जो है ये जारी किए गए हैं, और अगर आप इन सभी की सभी को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहला जो नोटिस जारी हुआ है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, इट इज हेयर बाय अनाउंसमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन कंडक्ट हुआ है इन द कंबाइंड स्क्रीन टेस्ट जो आपका कंबाइन हुआ था 20/8/23 को। पोस्ट थी आपकी माइनिंग ऑफिसर ग्रुप बी, असिस्टेंट माइन इंजीनियरिंग ग्रुप बी एंड माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट हरियाणा। कमीशन हैज अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट फॉर द बोर्ड साइड एग्जाम, तो जिसमें आपके स्कोर मार्क्स आ गया है, मास्टर क्वेश्चन बुकलेट और जो फाइनल आंसर की वो जारी हो चुकी है, तो उसको भी हम देखेंगे। पहले दूसरा नोटिस देख लेते हैं, और ये दूसरा नोटिस है, इट इज हियर बाय अनाउंसमेंट ऑफ द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन दिस स्क्रीन टेस्ट, जो आपकी पोस्ट थी ये मेडिकल ऑफिसर वाली ग्रुप ए में SCMS 1 ASI हेल्थ केयर लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा। एडवर्टाइजमेंट थी 1/23, डेट थी 6/23, जो एग्जाम था 1/10/23 को। कमीशन हैज अपलोड द स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुकलेट एंड स्टैंडर्ड का आंसर की, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुकलेट और स्टैंडर्ड आंसर की का मतलब है इन्होंने अपनी साइट पर जो क्वेश्चन पेपर अपलोड किया हुआ है तो उसी के अनुसार ही आपने ऑब्जेक्शन करना होगा, उसी के अनुसार जो आंसर की है तो आप अपने आंसर की का मिलान कर लें और जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है उसमें देख लें कोई क्वेश्चन आगे पीछे है किस तरीके से है, ये उसके अनुसार यहाँ पर आंसर की है। और ये देख सकते हैं, अगर किसी कैंडिडेट को यहाँ पर इस आंसर की में कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो ऑब्जेक्शन कर सकता है, लेकिन करना होगा वो जो साइट पर जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है उसके अनुसार। और फीस जो है यहाँ पर 250 पर क्वेश्चन आपकी रहेगी। और कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू लॉग इन एट द गिवन वेब एड्रेस ऑन द फील देयर ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन पोर्टल विल फंक्शनल फ्रॉम 6/10/23 to 8/10/23, तो 6 से लेकर 8 तारीख तक आप ऑब्जेक्शन कर पाएंगे, उसके बाद लिंक है वो काम नहीं करेगा। और कहाँ से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो वो भी जो हम इनके बाद में देखेंगे। और इसके बाद आ चुका है यहाँ पर रिजल्ट, ये है स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट सब डिविजनल इंजीनियरिंग सिविल ग्रुप बी डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट थी 29/22 और कोऑर्डिनेशन डेट थी 20/3/23। और जो यहाँ पर ये जो एग्जाम वगैरह जो था ये 27/8/23, तो जो कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट उनका भी फिर होगा, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो यह असेंडिंग ऑर्डर में जहाँ यहाँ पर आया है ये मेरिट के अनुसार नहीं है, तो जो कैंडिडेट यहाँ पर पास हुए हैं आगे फिर उनका नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो होगा, और ये अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो SC के कैंडिडेट हैं, BCA वाले कैंडिडेट, BCB, AWS, ESM, DESM जनरल, PWBD और जो अन्य ये डिसेबिलिटी वाले जो कैंडिडेट है, और ये ब्लाइंडनेस लो विजन में है, द एफोरसेड क्वालिफाइड कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन दिस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 5/11/23, तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो आगे होगा वो 5 तारीख में होगा 5/11/23 को। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा ये नेक्स्ट रिजल्ट है सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर फ्लुएंट एडमिनिस्ट्रेशन कैडर एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट है 22/23 और जो एग्जाम वगैरह हुआ था 3 तारीख को, तो जो कैंडिडेट पास हुए उनका फिर आगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जनरल अनरिजर्व वाले कैंडिडेट जो पास हुए हैं, और उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट वाले हैं SC वाले, उसके बाद आ जाता है जो BC वाले हैं BCA, और उसके बाद EWS,
और ये आ जाता है ईएसएम जनरल ऑफ हरियाणा, ईएसएम जनरल, डीईएसएम जनरल। और इनका जो आगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा ये 19 तारीख को होगा, 19/11/23 को। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट रिजल्ट, ये डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर में है, डीडीए इक्विवेलेंट एडमिशन कर रहे, ग्रुप ए एडवर्टाइजमेंट 13/23, इनका भी एग्जाम था 3 तारीख में। और जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनका फिर आगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जनरल अनरिजर्व में कैंडिडेट जो पास हुए हैं, उसके बाद एससी के जो बीसीए में हैं, और एएसएम का कोई नहीं है, पीडब्ल्यूडी का भी कोई कैंडिडेट पास नहीं हुआ है। और इनका भी जो आगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा ये 19 तारीख को होगा, 19/11/23 को। और जैसे ही इस बारे में कोई अन्य नई अपडेट आएगी तो आपको इस बारे में सूचित कर दिया जाएगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर आपके कट ऑफ मार्क्स, देख सकते हैं रोल नंबर वाइज मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट जो सब डिविजनल इंजीनियरिंग सिविल में है, ये पंचायत डिपार्टमेंट में है। तो यहाँ पर रोल नंबर, नेम, कैटेगरी पीडब्ल्यू में है या नहीं है तो दिखाए गए हैं, और साथ में 100 में से मार्क्स आपके दिखाए गए हैं तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इसमें संख्या जो है 152 है पेज की, तो इसलिए हम इनको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। आप वीडियो की स्पीड कम करके अपना रिजल्ट चेक कर लेना। तो वीडियो की स्पीड कम करके जो आप अपना जो रिजल्ट है उसे देख लेना, क्योंकि यहाँ पर पेज की जो संख्या है वो ज़्यादा है, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी जो इनको देख लेते हैं।
तो ये यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, और यहाँ पर है रोल नंबर, वाइज मार्क्स ऑफ फल कैंडिडेट, डीडीए, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही रोल नंबर, नेम, कैटेगरी, ASM, और जो मार्क्स हैं आपके ये 100 में से हैं। तो यहाँ पर भी आप अपना जो कट ऑफ मार्क्स चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर जो पेज की संख्या है ये 39 है। तो ये आपके मार्क्स हैं, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं रोल नंबर वाइज मार्क्स, कंबाइंड स्क्रीन टेस्ट, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर, एडवर्टाइजमेंट 9-23 एंड माइनिंग ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट 8-23। टोटल जो क्वेश्चन थे यहाँ पर 100 थे, जिसमें से दो क्वेश्चन या ड्रॉप हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 31। तो वैलिड क्वेश्चन 98 हैं, और दोनों को ही लेकर यहाँ पर जो आपके कट ऑफ मार्क्स वो जारी हुए हैं। यहाँ पर 98 में से मार्क्स हैं, और यहाँ पर 100 में से मार्क्स हैं। तो यहाँ पर भी अपने मार्क्स आप चेक कर सकते हैं, किस कैंडिडेट को कितने मार्क्स यहाँ पर मिले हैं। तो यहाँ पर जो पेज की संख्या ये 5 है। तो ये जो आपके यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स है, और बात करें यहाँ पर आंसर की तो कहाँ से आप अपने आंसर की जो है उसके लिए ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो इसके लिए हम साइट पर वापस चलते हैं। तो अब हम साइट पर वापस आ चुके हैं। यहाँ पर आपको जहाँ ऑप्शन दिखाई देगा ये वाला, साइड में देख सकते हैं इंपोर्टेंट लिंक्स, क्लिक हियर टू ऑब्जेक्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। उसके बाद जो यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ से लॉग इन कर देना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर आएगा। तो सेम वैसी ही प्रक्रिया है कुछ जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। तो यही हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।